सियासत शुरू। एनएसयू आई ने पीएम मोदी की बुद्धि शुद्धि के लिए आगरा में किया यज्ञ। मध्य प्रदेश में किसानों पर ज्यादती के विरोध में आगरा कांग्रेस एनएसयूआई ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं पीएम मोदी की बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए भी हवन किया गया। पीएम मोदी को किसानों की समस्या के हल करने की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन के दौरान करीब 18 किसानों की मौत होने के बाद देश भर में हंगामा हो गया है। इसी कड़ी में ताज नगरी आगरा में कांग्रेस एनएसयूआई ने किसानों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ पीएम मोदी को बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया, ताकि पीएम मोदी की बुद्धि बेहतर हो जाए। इस दौरान एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अमित सिंह ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में किसान मर रहे हैं, लेकिन देश के पीएम कभी बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी विदेश में घूमने गए हैं, जहां पर पीएम मोदी गर्मियां बिता रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की बुद्धि शुद्धि की गई है, ताकि वह देश के किसानों की परेशानी को देख सकें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह, एनएसयूआई से राष्ट्रीय महासचिव। आज आपने किस तरह से देश के अंदर जिस प्रकार किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, आतंकवादियों पे प्लास्टिक की गोलियां बरसाई जा रही हैं, किसानों पे AK-47 से बरसाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कल लगातार 6 किसानों को गोलियों से मारा गया, जलियावारे कांड की एक बार फिर पुनः दोहराया गया, और देश में पूरी तरीके से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, पूरे देश का किसान इस समय परेशान है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर बाहर रहते हैं, और विदेश जाने के बाद भी ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि सम्मानजनक नहीं है। अगर प्रियंका चोपड़ा या ऐश्वर्या राय से आपको मिलना है तो भारत में भी मुलाकात कर सकते हैं। एक बार आप प्रियंका चोपड़ा को छोड़ के भारत में जो किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं अन्नदाता, उनसे भी मिलने का प्रयास करिए। जब देश का अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो आम जनमानस का क्या होगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप भी अन्न खाते हैं, जब देश का अन्न पैदा बंद हो जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा आपको अन्न नहीं देगी। मोदी जी की बुद्धि के बारे में कह रहे हैं, आज हमने जो हवन किया है कि नरेंद्र मोदी जी आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं, आपको शोभा नहीं देता कि विदेश जाके प्रियंका चोपड़ा से जाके मिलें या किसी और से जाके मिलें, आपको शोभा देता है कि भारत में आएं और देश में जो किसान मर रहा है उनसे मिलने का प्रयास करें।